हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, बेस्ट टॉप 10 सवाल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं जबरदस्त तरीके से। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि आज हम कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया हूँ। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक आपको बने रहना है, कुछ समय के लिए बहुत ही मजा आने वाला है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लिए होंगे कि जो है आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन यहां पे सेलेक्ट किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरे साथ बने रहना है और क्वेश्चन को खुद से जो है करने का प्रयास करना है। अगर नहीं आता है फ्रेंड्स, तब आप सभी लोगों को आगे देखना है। क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता तो उसे 9% की हानि होती। 30% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो फ्रेंड्स 5 स्टार लगा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा एग्जाम में ये सवाल आप लोगों के पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग पहले खुद से ट्राई करिएगा, नहीं आता है तब देखना है। तो ध्यान समझिए फ्रेंड्स, 105 में बेचता है तो 9% की हानि होती है। अगर 9% की हानि होती है तो कितने में बेचेगा फ्रेंड्स? 91%। 91% की वैल्यू कितना दिया है? 105 दिया है। तो फ्रेंड्स 1% की वैल्यू निकाल देंगे तो 1% की वैल्यू देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगी? 105 और बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 91। आपसे कह रहा 30% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा, यानी इंटू 130 कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 13 से काट देंगे तो 13 दहम में 130, 13 सते 91, 7 से काटेंगे तो फ्रेंड्स 7 एकन्नम 7 और 7 पचे 35, यानी 15 दहम में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 150, यानी 150 रुपए में बेचेगा तो उसको 30% का लाभ होगा। यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? तो फ्रेंड्स अगला सवाल कह रहा है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, राजेश अपने वेतन का 15% मकान के किराए पर, 35% भोजन व 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है तथा शेष बचत करता है। अगर उसकी बचत कह रहा है 2250 रुपए प्रति माह है तो राजेश की आय क्या है? तो ध्यान समझिएगा, मैंने मान लिया कि राजेश की आय कितना है? 100% है। आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, वो 15% किस पे खर्च करता है? मकान के किराए पर खर्च करता है। फिर कह रहा है फ्रेंड्स, 35% किस पे खर्च करता है? वो भोजन पर खर्च करता है। और 20% किस पे खर्च करता है फ्रेंड्स? बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है? बचत। उसने टोटल खर्च कितना किया? 35, 20, 55, 55, 5 जोड़ देंगे 60, 10, 70, यानी 70% उसने क्या किया? खर्च किया। तो बचाया कितना? 30%। मेरा 30% बचत आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया फ्रेंड्स? 2250 दिया है। कितना दिया है? 2250। 1% की वैल्यू निकाल देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 सते 21, 3 पचे 15, यानी 1% की वैल्यू कितना आ गई फ्रेंड्स? 75। आपसे देखिए फ्रेंड्स, राजेश की आय पूछा है, यानी 100% की वैल्यू पूछा है, दोनों तरफ दो दो जीरो लगा दीजिए, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 7500। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा होता कि मकान के किराए पर कितना खर्च किया, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको 15% की वैल्यू निकाल देना, 1 की वैल्यू 75, 15 की 15 × 75। ऐसे ही फ्रेंड्स भोजन पे पूछा होता तो 35 × 75 कर देते। ऐसे ही फ्रेंड्स बच्चों की शिक्षा पर पूछा होता तो 20 × 75 कर देते, तो बड़ी आसानी से आप लोगों का आंसर आ जाता। तो आई होप कि फ्रेंड्स इतने तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, आप समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों से क्या कह रहा है? अगला सवाल आपसे कह रहा है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है। फ्रेंड्स कितना दिया है? 5:4 दिया है। कह रहा अगर कमरे की लंबाई 15, मेरा देखिए फ्रेंड्स लंबाई 5 मीटर है, क्वेश्चन में कितना दिया है? 15 मीटर, यानी कितने गुना है? 3 गुना। तो चौड़ाई भी फ्रेंड्स 3 गुना होगी, ताकि रेशियो पे कोई फर्क ना पड़े, कितना हो जाएगा? 12। आपसे कमरे का क्षेत्रफल, तो देखिए फ्रेंड कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों का आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यानी 15 × 12 कर देंगे फ्रेंड्स, 15 दहम में 150 और 15 दूनी 30, यानी कितना हो जाएगा? 180 मीटर² इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे, अब आएगा तो इसी तरीके से करना है।
ये सवाल बड़ा ही जबरदस्त है फ्रेंड्स। आप सभी लोगों की क्या अप्रोच होगी, अब मेरी अप्रोच देखिएगा कि आप लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक व्यापारी ने 10 क्विंटल गेहूं 1000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा तथा 8 सही 4/5% की हानि से बेचा, तो गेहूं का विक्रय मूल्य क्या है। अब जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन कैसा है, तो देखिए फ्रेंड्स, एक कुंतल अगर 1000 में खरीदा है तो 10 कुंतल कितने में खरीदेगा, तो आप लोग कहेंगे सर 10 × 1000 कर देंगे, कितना हो जाएगा 10000 में खरीदा है। ये क्या है फ्रेंड्स, आपका सीपी है। अब देखिए फ्रेंड्स, 8 सही 4/5% की हानि पर बेचा है। इसका सबसे तरीका फ्रेंड्स, सबसे अच्छा तरीका, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 5 × 8 = 40 = 44/5% हो जाएगा। फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/100। 4 से काटेंगे तो ऊपर 11 आ जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 25, यानी 11 / कितना हो जाएगा 125। देखिए फ्रेंड्स, नीचे हमेशा जो होता है यही मूल मान यानी सीपी होता है। 125 सीपी है, 11 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। यही तो कह रहा है लॉस हुआ है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आपका 125 का ही 8 सही 4/5% 11 होता है, तो इसका मतलब 125 का सामान 11 का लॉस हुआ, तो बेचेगा कितने में, 114 में। कितने में बेचेगा, 114 की मुझको वैल्यू चाहिए, इस बात का ध्यान देना। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसा हम समझ सकते हैं मेरा 125 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 10000, कितना दिया है 10000। 125 × 1000 होता है, यानी 80 गुना है। तो फ्रेंड्स 114 का भी 80 गुना कर दीजिए, ये भी यही सबसे बेस्ट तरीका है। 0 8 4 32 2 3, 8 1 3 11 1 1 आएगा, 8 1 8 9, 91 20 रुपए में बेचेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब आएगा इस टाइप का सवाल तो बड़ी आसानी से कर लेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स रीजनिंग से भी क्वेश्चन, जैसा कि मैं डेली मैथ और रीजनिंग दोनों ही शाम को 7 बजे प्रैक्टिस करवाता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। आपसे कह रहा है ए बी से छोटी है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है ए और कह रहा है बी से छोटी है। फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको अभी डंडा खींच के आसानी से करना है, दिमाग पे कोई ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है। ए देखिए कह रहा है आपसे बी से छोटी है, तो इसका मतलब बी बड़ी है। मगर ई से लंबी है, तो मगर ई से लंबी है कौन, ए, तो इसका मतलब यहाँ पे ई हो गया। यही तो कह रहा है ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। सी कह रहा सबसे लंबी है, तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स सी क्या हो गया, सबसे लंबी है। अब कह रहा डी बी से बहुत छोटी है, डी कह रहा बी से बहुत छोटी है लेकिन ए से कुछ लंबी है, तो इसका मतलब यहाँ डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आपसे कह रहा सबसे छोटी नदी कौन सी है, ई, तो ई ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ऐसे ही करना है, बड़ी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, और इस टाइप का भी सवाल हमेशा देखने को मिलता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपए है बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने वही वस्तु 25% लाभ पर सी को बेची, सी ने उसे 40% के लाभ पर डी को बेची, तो उसे जो है डी ने कितने मूल्य में खरीदा है, यही आपसे पूछा गया है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, कुछ मत करिए, डायरेक्ट निकालिए डी। देखिए कितने में खरीदा होगा, 50 में ए ने, ए जिसका मूल्य है, बी को 20% के लाभ पे बेचेगा, यानी 50 × 120, ये बी का प्राइस होगा, इंटू, अब बी ने वही बस 25% के लाभ पे बेची, तो इतने का 125% निकाल देंगे, तो ये इतने को कितने खरीदा, सी ने खरीदा। अब सी ने कह रहा 40% के लाभ पर, तो इसी का 140% निकाल दीजिए, तो इसको टोटल किसने खरीदा, डी को बेचा गया। तो बस फ्रेंड्स इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, 25 से काटेंगे, 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, इसको 50 से काट देंगे, 50 × 2 = 100, अब 2 0 से 2 0 आपके यहां पे क्या हो गए फ्रेंड्स, कैंसिल हो गए। अब देखिए फ्रेंड्स, 4 से काट देते हैं तो 4 3 = 12 और 2 से काट देते हैं 2 7 = 14, तो 5 3 = 15 कितना हो जाएगा, 105 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसी तरीके से चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना है ताकि आपका टाइम भी बचे। उसके बाद आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल की तरफ। जैसा कि फ्रेंड्स ये ब्लड लेसन का सवाल है और एक क्वेश्चन में हमेशा आपको होमवर्क देता हूं, तो आज आपको ब्लड लेसन वाला सवाल बताना है। आप लोगों का फ्रेंड्स कितना रिश्ता मजबूत है आज ये भी पता चलेगा, तो आप लोग खुद से करिएगा, नहीं आता है तो कल टॉप 10 वाली में फ्रेंड्स इसका मैं सोल्यूशन आप लोगों को यानी करवा दूंगा सॉल्व। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। जैसा कि फ्रेंड्स डायरेक्शन से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, बड़ा ही जबरदस्त सवाल है।
क्वेश्चन कह रहा फिर संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है। तो ये देखिए फिर संजय के स्कूल का क्या है, फाटक है उत्तर दिशा में। वह फाटक से बाहर निकल कर कह रहा 200 मीटर आगे जाता है, तो इसका मतलब 200 मीटर कहाँ गया, आगे गया। फिर कह रहा तथा अध्यापक को एकदम देख कर विपरीत दिशा में 300 मीटर जाता, विपरीत दिशा मतलब फिर ऐसे ही लौट आया। तो 300 मीटर का मतलब देखिए फिर 200 गया था, 200 आएगा, 100 मीटर और आ गया, टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 300 मीटर। इसके बाद बाएं मुड़ता है तो बाएं इधर मुड़ेगा और कितना चला 400 मीटर। अब कह रहा वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, ये वाली दिशा आपसे पूछी गई है कि ये प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में है। तो ये देखिए फिर दिशा कौन सी होगी, ये ईस्ट हो जाएगी, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये दिशा कौन सी होगी फ्रेंड्स, साउथ ईस्ट होगी। कौन सी होगी, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई भी बच्चा नॉर्थ वेस्ट नहीं मारेगा क्योंकि उत्तर पश्चिम जो है बहुत सारे बच्चे टिक कर सकते हैं ये देखकर, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये दिशा पूछा है तो साउथ ईस्ट ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, तो फ्रेंड्स ये भी बड़ा ही जबरदस्त सवाल है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग खुद से पहले क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किया करिए, नहीं आता है तभी देखना है। क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, उसे 3000 में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि प्रतिशत होगा, ये आपसे पूछा गया है। 20% का लाभ, 25% का लाभ, 15% की हानि, 25% की हानि ऑप्शन में दिया है। तो देखिए फ्रेंड 20% का हानि होता है कितने में बेचेगा, 80, यही तो है। तो अब देखिए फ्रेंड्स आपको इस तरीके से करना है, 2000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई यानी 80 में बेचेगा, तो 1 रुपये का निकाल दीजिए, 1 रुपये में कितना में बेचेगा, तो फ्रेंड्स 80/2000, 80/ क्या कर देंगे 2000, 3000 में कह रहा है तो इसका मतलब इंटू क्या कर दीजिए 3000। तो देखिए फ्रेंड्स 3 जीरो से तो 3 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 40, 40 से ये कितना आ गया 120। अब देखिए फ्रेंड्स ये 100 से कितना ज़्यादा है, अगर 100 से जितना कम होगा उतने की हानि होगी, 100 से जितना ज़्यादा होगा उतने परसेंट का लाभ होगा, यानी 20% का गेन यानी 20% का लाभ ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप के फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और अगला सवाल देखते हैं कि क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में विषम छांटने के लिए आता है, वो बहुत ही आसान है कि विषम पद क्या होगा फ्रेंड्स, गैराज होगा कि विमानशाला होगा कि नौकाघाट होगा कि उपवन होगा। बहुत सारे बच्चे देख के समझ गए होंगे क्या हो जाएगा, उपवन। गैराज में गाड़ियाँ रहती हैं, विमानशाला में फ्रेंड्स हवाई जहाज यानी विमान वगैरह रहता है, नौका घाट में नाव रहती है। तो उपवन ही सबसे ज्यादा डिफरेंट है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स मेरी एक क्लास सुबह 11 बजे चलती है, जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं वहां कॉन्सेप्चुअल जबरदस्त तरीके से एक ही वेरायटी का सवाल लाता हूँ कराता हूँ। तो फ्रेंड्स सुबह वाली वीडियो देखा करिए, शाम को 7 बजे UPP का जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस चल ही रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन इतना ही रखेंगे, थैंक यू ऑल दी।